हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बिलासपुर से। चलो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी दीदी की शादी है, और जो शादी है वो हो रही है बिलासपुर में। तो हम लोग ना पिछले रात को ही बिलासपुर पहुंच गए हैं, क्योंकि यहीं पर ही यह एक घर है जहां से हमारी दीदी की शादी होनी है। तो यहां पे जो है हम लोग सारे उठ के आ गए हैं एंड प्रिपरेशन शुरू हो रही है सुबह से। आज दीदी की हल्दी एंड मेहंदी है, तो जब हल्दी और मेहंदी जो ससुराल से आएगी उसके बाद दीदी को लगेगी। हमारे कल्चर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हम यहाँ आए हैं और इन्हीं के कल्चर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि किन्नौर में ये सारे रिचुअल थोड़ी अलग तरीके से मनाई जाती है और यहाँ पे अलग तरीके से। अभी मामू, बड़े मामू, मासी वगैरह आधे लोग पहुँचे हैं, आधे लोग अभी और आने हैं, रास्ते में हैं। मम्मी भी अभी पहुँची नहीं है। मैं, मामू, हम लोग रात को ही पहुँच गए थे यहाँ 10 बजे। है वो काव्यांश, हेलो करो, ऐसे हाय कर दो पहले। ये है मेरी बबीता जी का बेटा काव्यांश, मम्मा मम्मा ढूंढता रहता है। और ये मेरे बड़े मामू जी, हाय नूर। और मैं अब आप लोगों को मिलाऊंगी हमारी दुल्हन से, उसकी सहेली से। तो लेट्स गो, हमारी दुल्हन। हेलो ममता दीदी, सुबह सुबह कैसे लग रही फिर आपकी शादी होने वाली है, हाउस योर फीलिंग? और ये ममता दी की फ्रेंड है जो मेरी मासी भी लगती है, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली मासी। तो अभी जो है हमारी रस्म को बहुत बहुत टाइम है, तो जो फालतू लोग हैं हमारी शादी में उनको हम मेहंदी लगा रहे हैं। जैसे उन फालतू लोगों में सबसे पहले आती है हमारी बबीता दीदी, और सबको मेहंदी लगाने का काम है, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरे को अपने हाथ में भी लगाना है और दीदी के हाथ में भी लगाना है, तो इनको पहले निपटा देते हैं। शगुन की मेहंदी जो है वो अभी ससुराल से आनी है दीदी के। तो अभी जो है पंडित जी जो है हल्दी बटने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। ये है पूजा का समय, हमारे कल्चर में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट अब दीदी कर रही हैं बिलासपुर में शादी, तो यहाँ का जो रिचुअल है उस हिसाब से अभी बटना वगैरह लगना है दीदी। अब जो है दीदी का बटना जो है ससुराल से आ गया है एंड बाहर जो है दीदी को बटना लगने की तैयारी हो चुकी है। मैंने ना अपने आप को मेहंदी अभी से लगा ली, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझे बाद में टाइम मिलेगा, क्योंकि दीदी का ना मेहंदी मैंने ही लगाना है और बहुत सारा है, हाथ पैर समय बहुत लगाना है, ताम झाम बहुत दीदी को। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, तैयार हो जाते हैं। जो है हमारी जो दीदी है वो तैयार हो गई है हल्दी के लिए अपने। वाह दीदी, इतने प्यारे से लग रहे हो आप, कैसा लग रहा है फिर आपकी हल्दी हो रही है? आर यू हैप्पी? अभी जो है लड़के की तरफ से जो मेहंदी है और जो ये शगुन का सामान है ये आ गया है। तो अभी चलो जी, हाँ। और जो यहाँ पे है हल्दी और मेहंदी की डेकोरेशन हो रही है, मेरी बुआ की बेटी, मासी की बेटी और मेरी बुआ की बेटी ये सारे कर रहे हैं। हेलो, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे हो यार, धन्यवाद। हल्दी हल्दी तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो ये है मेरी हल्दी की आउटफिट जो मैंने मार्केट से ली थी उस दिन और आप लोगों को दिखाया नहीं था। तो कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी जो है दीदी की हल्दी होने वाली है, उसके बाद दीदी की मेहंदी वगैरह होगी। तो मैंने ये सूट इसलिए लिया क्योंकि ये ना दोनों के लिए कवर हो जाता है, हल्दी और मेहंदी दोनों के लिए, ताकि बार बार कपड़े चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे भी सर्दी है बट यहाँ बिलासपुर में इतनी ठंड नहीं है। बस थोड़ी सी देर में हम लोग दीदी का हल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी थोड़ा और लोगों को भी ताम झाम करने में टाइम लग रहा है। और अभी जो है दीदी के यहाँ पे नवग्रह की पूजा हो रही है, और यहाँ पे जो लोग हैं मेहंदी लगाने का काम कर रहे हैं। वाह बुआ जी वाह, कितना अच्छा मेहंदी लगा रहे हैं आप। वो लगा रहे मेहंदी सच में है ना, ऐसे दिखाओ हाथ अपना, तो बड़ा अच्छा लगाया आपने, देखो तो अपना तो अच्छा लगा। यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर भी चाची को भी। अच्छा, और ये मेरे छोटे वाले भाभी जी के पापा हैं। दीदी मैं पहुंच रहा होगा अब। नमस्ते चाचा। तो ये है लगन का सामान जो लड़की वाले ही लाते हैं, और यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बना रहे जी आप? ये तड़का बन रहा। वाह,
तड़का आप बोटी वाला काम भी कर रहे हो आज? आप सब कुछ करते हैं, बोटी का भी करते हैं, पंडित का भी करते हैं, सारा काम करते हैं। और ये बन रहा चावल है ना, मेहमानों की सेवा भी करते हैं। बन गया चावल हमारा बासमती का चावल। किधर? आपके इलाके में ऊपर ही? ठीक है जी, ठीक है। बोट चारा भी करता रहेगा उधर, और बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाता रहेगा। तो अब जो पूजा होनी है वो मामा के साथ होनी है, तो मामा यहाँ पूजा में दुल्हन के साथ बैठेगा। तो मामा जी नहीं आ पाए तो उनकी जगह मामा जी का जो बेटा होता है वो भी पूजा में बैठ सकता है। तो यहाँ पे मेरे चाचू जो है वो बैठे हैं पूजा में। अभी यहाँ पे जो है मंडप लगाया जा रहा है, क्योंकि जो लगन का टाइम है वो सुबह 7 बजे है। इसलिए एक तरफ अंदर जो है दीदी की पूजा हो रही है और बाहर जो है गेस्ट और रिश्तेदार जो हैं वो लंच कर रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे तेल लगाया जाएगा। तेल लगाने के लिए जो है दीदी के सर पे ऐसे प्लास्टिक का कुछ रखा हुआ है और उसके ऊपर एक पंडित ने कोई रिंग जैसे पता नहीं क्या पहनाई हुई है। इसके ऊपर दीदी को तेल लगाएंगे सारे बारी बारी से। अब लगेगा दीदी को बटना। पंडित जी यहाँ पे सब कुंवारी लड़कियों को ये हाथ में मौली सब बंधवा रहे थे, तो मैंने सुबह नहीं बंधवाया, तो मैं फिर जब बाद में आई तो मैंने तब बंधवाया। अब जो दूल्हे के घर से जो बटना आया था वो अभी हम यहाँ दीदी को लगाएंगे। तो यहाँ पर रिवाज है कि जब बटना लगता है तो उसके साथ गाना वगैरह गाते हैं। ऐसे हमारे साइड तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो अभी जिस घर में हम शादी करा रहे हैं दीदी की, वहाँ की जो भाभी है और एक आंटी है वो मिलके यहाँ पे अभी शगुन का जो बटने वाला है वो गाना गाएंगे। तो अभी जो है सब बारी बारी से बटना लगा रहे थे और यहाँ पे जो भैया हैं वो आए और उन्होंने बोला कि बटनी को ऐसे रगड़ रगड़ के लगाते हैं और पहले भी ऐसे लगाते थे और इससे जो है निखार और भी ज़्यादा आते हैं। तो ये बहुत जोर जोर से रगड़ रहे थे। बटना जो बोलते हैं यहाँ के लोग और हम लोग तो हल्दी बोलते हैं उसको, वो हो गया है ख़त्म। लगाया माला पता नहीं क्या क्या कर रहे थे जो भी था। जो है हम लोग मेहंदी के लिए तैयार हो रहे हैं। मेहंदी के लिए मैं तो यही आउटफिट करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा हेयर स्टाइल और एयरिंग मैंने चेंज कर लिया है। और ममता दी को अब हम करेंगे रेडी, थोड़ा सा हल्का हल्का फुल्का मेकअप और ज्वेलरी पहना के मैं लगाने वाली हूँ इनका मेहंदी। और बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं बहुत फास्ट नहीं लगाती, थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ। और काफ़ी आगे से लगाने का मतलब यहाँ यहाँ से मेहंदी लगाने की इनको, तो उस बात की मुझे सच में ऐसे हो रही कि कैसे लगेगी दीदी, पता नहीं अच्छी लगेगी भी नहीं लगेगी, पर कोशिश करूँगी। और जो है दीदी हमारी होगी है बिल्कुल रेडी। हमारी मासियां मक्की की रोटी बनाते हुए, ये मेरी मासी नंबर 1, ये मेरी मासी नंबर 2, ये मासी नंबर 3 और ये मेरी नानी। मैं सर मासी नाते रोटी बना रही है। ममता की शादी है, हम रोटी बना रहे हैं मक्की की रोटी।
हमारी मासी की सुंदर सुंदर मेहंदी लग रही है, एक हाथ में कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरे हाथ में लग रही है। मैं अंदर जो है दुल्हन को मेहंदी लगा रही थी और बाहर जो है डीजे बज रहा था। हम हैं इसके गोपी नाई मुन्नी मुन्नैया।